नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, मैं BHL से सेफ्टी ऑफिसर हूँ। यहाँ पे जो आप हम लोग खड़ा है, क्यों खड़ा है? रोज़ रोज़ तो वही हो रहा है, मतलब इधर आ रहे, कुछ बोल रहे, फिर चला जा रहे फ़ोटो उठा के। किस लिए? आपने लिए कि आपने हमारे आप हमारे लिए हम कर रहे हैं कि आपके लिए कर रहे हैं? ऑब्वियसली आपके लिए कर रहा है। देखिए, हम सोच रहे हैं या हमारा पूरा टीम सोच रहा है कि आप लोग घर से जैसे आए हो ऐसे ही घर पे लौटना है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होता तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी परिवार को भी पूरा प्रॉब्लम उठाना पड़ता है ना? आपकी परिवार, आपकी फैमिली का परिवार। इसीलिए आपका यहाँ पे जो मेन अभी काम चल रहा है, हॉट वर्क रिलेटेड वर्क है, तो हॉट वर्क में जो भी काम चल रहा है उसमें हाजार्ड्स क्या है, प्रिक्वेशन क्या है, किस तरह से काम करने से हम सही सलामत जैसे आए हैं वैसा रिटर्न जा सकते हैं, कुछ इंसिडेंट ना हो, कुछ एक्सीडेंट ना हो, कुछ नियर मिस ना हो, ऐसा कैसा कौन सा तरीका से काम करने से ये सब होगा और इसमें खतरा क्या है, ये सब डिटेल्स अभी यहाँ पे बातचीत करेंगे। आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ जो इसके जो भी हम बोलेंगे उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ इशू रहेगा, आप बताएंगे और हम भी आपको कुछ बताएंगे। जैसे कि हॉट वर्क है, हॉट वर्क मीन्स क्या है? जैसे कि अपना जो वेल्डिंग होता है, गैस कटिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, इलेक्ट्रिक आर्क है और कोई भी सोर्स ऑफ इग्निशन इंक्लूड हो, ये सब हॉट वर्क के अंदर जाता है, ठीक है ना? जैसे कि गैस वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो, हॉट एयर ब्लोअर वर्क हो, फ्लेम कटिंग, मेटल पॉलिशिंग, कटिंग विथ हैंडल पावर कटर है, ये सब जो वर्क है यहाँ पे जो चल रहा है ये सब हॉट वर्क है। तो ये जो इतना सारा एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है इसमें बहुत सारा हाजार्ड्स है, यानी हाजार्ड्स मीन्स खतरा है। ये खतरा क्या क्या है पहले हम उसको समझना पड़ेगा, फिर खतरों के हिसाब से फिर उसे क्या करना चाहिए, उसको प्रिकॉशन क्या लेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, फिर हाजार्ड्स हम कम कर सकते, खतरा कम कर सकते, उसके बारे में सोचेंगे। तो पहले जानेंगे खतरा क्या क्या है। खतरा देखिए, फायर एंड एक्सप्लोजन तो पहले ये मेन है। अगर कोई हॉट वर्क है यहाँ पे, कोई स्पार्क चिंगारी और कहाँ चला जाता है, तो आग लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद स्पार्क रहता है, इलेक्ट्रिकेशन, इतना सारा हॉट वर्क चल रहा है तो इलेक्ट्रिक केबल हो गया, उसका प्लग हो गया, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो शॉर्ट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने का चांसेस रहता है। उसके बाद टॉक्सिक फ्यूम, जो भी यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, गैस कटिंग हो रहा है, उसका जो फ्यूम्स निकलता है और गैस निकलता है वो भी बड़ा टॉक्सिक्स होता है, जहरीला होता है, वो भी हमको क्षति पहुँचाता है, नुकसान करता है। उसके बाद बर्न इंजुरी, बर्न यानी जलना। अगर कोई हॉटवर कार है, जैसे कि यहाँ वेल्डिंग कर रहे है या गैस कटिंग कर रहा है, वहाँ पे अगर अपन सही से पीपीज का यूज नहीं करेंगे, सही तरीका यूज नहीं करेंगे, तो हमारा बर्न इंजुरी होने का चांसेस है, हम जल सकते हैं उसमें, है ना? उसके बाद इंफ्रारेड रेज, जो वेल्डिंग करते हैं उसमें एक प्रकार का रेज आता है, वो भी हमको क्षति पहुंचाता है। कट इंजुरी, कोई वेल्डिंग कर रहे है या और कुछ कटिंग कर रहे है, उसमें अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारा कोई बॉडी का पार्ट या हाथ पैर कुछ भी कट सकता है। नॉइज़ पॉल्यूशन, इतना सारा मशीनरी यूज हो रहा है, ऑब्वियसली मतलब नॉइज़ यानी शब्द, मतलब सिर्फ डस्ट यानी और दूसरा कुछ चीज़ उसमें ही क्षति नहीं पहुंचता है। नॉइज़ एक प्रकार का साउंड, जो हाई साउंड में अपन अगर काम करेंगे तो हमारा कान को क्षति पहुँच सकता है। उसके बाद वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो मशीनरी चल रहा है उसका वाइब्रेशन पे भी हमारा नुकसान पहुंचता है। तो ये सारे जो चीज़ है, इतना सारा खतरा है, इसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, इसे कैसे हम बचेंगे, उसके लिए हम पहले क्या क्या उसका मेजर्स पॉइंट है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि कोई भी हॉट वर्क हो तो उसके लिए पहले वर्क परमिट होना बहुत ज़रूरी है। वर्क परमिट में जो भी चेकलिस्ट मेंशन किया गया है वो अवेलेबल नहीं है कि है, वो पहले देखा जाता है, फिर परमिट अप्रूव होता है। तो ऑब्वियसली वर्क परमिट लेने के बाद बहुत सारा खतरा रिमूव हो जाता है, ठीक है ना? और इसमें जो भी है, जैसे कि कॉम्बस्टिबल कोई मटेरियल है, फ्लेमेबल मटेरियल है, वेल्डिंग एरिया हो या हॉट वर्क एरिया से, उसको पहले रिमूव करना चाहिए। अगर कोई भी कॉम्बस्टिबल मटेरियल या फ्लेमेबल मटेरियल वहाँ से रिमूव नहीं हो पा रहा है तो उसको फायर ब्लैंकेट के द्वारा उसको पूरा कवर करना चाहिए। उसके बाद पीपीज, पीपीज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कोई भी हॉट वर्क काम करने से पहले पीपीज को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
पीपीज यहाँ पे मुख्य भूमिका ग्रहण करता है, जो कि जैसे कि पीपीज में जैसे आता है फुल लेंथ हैंड लेदर हैंड ग्लव्स आता है, अप्रॉन है, लेग स्लीव, हैंड स्लीव, फेस शील्ड, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, और उसके बाद फिल्टर मास्क, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। हॉटवार के लिए ये नेसेसरी है। ये चीज़ जो होता है ये खतरा और हमारा बॉडी दोनों के बीच बैरियर का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल यूज होता है, जो लाइट यूज होता है, वो 30 mA ELCB एंड अर्थिंग ये सब यूज होना चाहिए। 30 mA का जो भी वोल्टेज है, करंट है, वो यूज होना चाहिए। और कोई अगर कंजेस्टेड एरिया हो, कंजेस्टेड एरिया में गैस टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी वेल्डर है और वेल्डर के साथ उसका जो हेल्पर है, कोई जगह देखा जाता है कि सिर्फ वेल्डर ही पहनता है, फेस शील्ड हो या सेफ्टी गूगल हो या प्रोटेक्टिव जो भी इक्विपमेंट रहता है, सिर्फ वही यूज कर रहा है। उसमें क्या करना चाहिए, उसका जो भी हेल्पर है, हेल्पर को भी ये सब प्रोवाइड करना चाहिए। अगर सिर्फ वेल्डर ही करेगा तो हेल्पर को ये नुकसान पहुँचेगा। जैसे कि देखिए, हॉटवर्क में सबसे ज़्यादा अगर खतरा को प्रिवेंट करने का ताकत रखता है तो पहले पीपीज। हम पीपीज को सही तरीके से अगर यूज करेंगे तो बहुत सारा खतरा से हम बच सकते हैं। खास करके ये जो चीज़ होता है, हम हर टाइम बोलते हैं, लेकिन अपना अपना जो लापरवाही होता है, लापरवाही के वजह से ये सब नुकसान हमको झेलना पड़ता है। बहुत सी चीज़ होता है, जैसे कि कॉमन चीज़ है, कुछ भी इंसिडेंट हो जाता तो पहले ये तीन चीज़ सुनने को मिलता, सर मैंने सोचा नहीं था, सर मैंने देखा नहीं था, सर मुझे पता नहीं था। पहले सोचिए, कुछ काम करने से पहले सोचिए इसमें खतरा क्या है, कैसे काम करने से सेफ हम रह सकते हैं, और क्या काम करने से, कैसे, कौन सा तरीका अपनाने से हमको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये पहले सोचिए, पता करिए। पता नहीं है तो कुछ भी काम मत यूज करिए जो आपको पता नहीं है। ऐसा कुछ भी काम करना चालू मत कर दीजिए, जिसको पता है वही काम करिए आप, ठीक है ना। और पहले देखिए कौन सा लोकेशन में क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये पहले देखिए। और ख़ास करके पीपी, जैसे कि फुल लेंथ जो अपना हैंड ग्लव्स रहता है, लेदर हैंड ग्लव्स, वो अप्रॉन, लेग स्लीव, हैंड स्लीव, फेस शील्ड, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, फिल्टर मास्क, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी हॉट वर्क हो, पहले ये पीपीज है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, पहले चेक करना है, उसके बाद हॉट वर्क चालू करना है। और नहीं है तो पहले कोई भी जो यहाँ पे सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटमेंट है उनको बोलिए आप, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रिकल का जो वहाँ पे कनेक्शन दिया जाता है, 30 mA पावर सप्लाई होना चाहिए। उसके अबव कुछ हो तो फिर डेंजर है, खतरा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कंजेस्टेड एरिया है, कंजेस्टेड एरिया में अगर कुछ हॉट वर्क चल रहा है तो वहाँ पे गैस टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना गैस टेस्ट में करेंगे, कुछ टॉक्सिक गैसेस रहेगा, फ्लेमेबल गैस रहेगा, वहाँ पे बर्न इंजरी या आग लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद वेल्डर जो भी है, उसके साथ साथ वेल्डर तो अपना लेते ही है, पीपीज वगैरह यूज करते हैं, उसके साथ साथ हेल्पर को भी देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो भी हॉट वर्क एरिया चल रहा है, फायर ब्लैंकेट हो गया, फायर वॉचर हो गया, और अपना जो भी वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है ना। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर वॉचर, फायर एक्सटिंग्विशर, ये तीनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये अगर नहीं है तो पहले इसको प्रोवाइड करने के लिए बोलिए। जो भी हॉट वर्क एरिया चल रहा है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ वहाँ पे अगर कुछ कॉम्बस्टेबल मटेरियल है, फ्लेमेबल मटेरियल है, उसको रिमूव नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे फायर ब्लैंकेट डालना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक फायर वॉचर रखिए, इन केस कुछ फायर कहाँ पे इंसिडेंट हो तो फायर वॉचर उसको रिमूव करेगा, ठीक है। कोई भी एरिया में अगर कोई भी फ्लेमेबल या कॉम्बस्टेबल गैस या लिक्विड या कुछ भी मटेरियल रखा हुआ है तो पहले इन्फॉर्म करिए, कुछ हॉट वर्क होने से पहले, ठीक है। उसके बाद कोई अगर मशीनरी यूज हो रहा है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, ये जो भी सब यूज हो रहा है, इसमें गार्ड वगैरह प्रॉपरली है कि नहीं वो चेक कीजिए। अगर गार्ड नहीं है तो पहले गार्ड लगाइए। अगर कुछ जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन है, उसमें गार्ड अगर नहीं है तो उसका जो स्पैटर है, पार्टिकल्स है, चिप्स है जो निकलेगा, वो सीधा अपना बॉडी पे आके लगेगा और हमको
नुकसान पहुंचा सकता है, कट इंजरी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो मशीनरी यूज है उसमें मशीनरी यूज करने से पहले मशीन सही है कि नहीं, गुड कंडीशन पे है कि नहीं है, उसका ऑन ऑफ स्विच सही से काम कर रहा है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मशीन ऑन कर दो फिर ऑफ ही ना हो, वो भी मुश्किल है। उसके बाद आपका जो वेल्डिंग केबल है, केबल सही से प्रॉपरली कनेक्ट हुआ कि नहीं है, सिक्योर है कि नहीं है, और जो वेल्डिंग केबल है उसका जो प्लग है और नेकेट है कि कोई इंडस्ट्रियल प्लग उसको अरेंजमेंट किया हुआ है, लगा गया है, वो देख चेक करना है। और आपका जो वेल्डिंग होल्डर है जिसको पकड़ के आप वेल्डिंग करते हैं, वो होल्डर सिक्योर है कि नहीं है, सही है नहीं कि, वो पहले चेक करना है। उसके बाद कोई पे कहाँ पे अगर वेल्डिंग और ग्राइंडिंग बहुत कॉम्बिनेशन में काम हो रहा है, वेल्डिंग भी हो रहा है ग्राइंडिंग भी हो रहा है, वहाँ पे डबल प्रोटेक्शन यूज कीजिए, ठीक है। हेलमेट के साथ साथ सेफ्टी गूगल्स, फेस शील्ड, ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी वहाँ पे गैसेस वगैरह यूज हो रहा है, जैसे कि LPG हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गैस कटिंग, वेल्डिंग, इसके लिए जो गैस वगैरह यूज हो रहा है उसको प्रॉपरली तरीक़े से रखिए। ऐसा नहीं कहाँ पे भी ओपन प्लेस पे रख दिए और उसमें कुछ गैस लीकेज हो गया, फायर इंसिडेंट या ब्लास्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर हो या LPG सिलेंडर हो उसको प्रॉपरली स्टैंड पे रखिए। अगर कोई LPG सिलेंडर है जो गैस कटिंग वेल्डिंग या कुछ दूसरे हॉटवर्क चीज़ के लिए यूज किया जाता है, उसका टॉप पर्सन को उसको कवर करके रखना है ताकि उसमें ज़्यादा अगर कोई खुला जगह है उसमें कोई सामान या वस्तु गिर के उसको डैमेज करने का जो चांसेस रहता है वो कम हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे अगर कुछ मेटल गिरता है या कुछ हीट के कारण कुछ गैस लीकेज होता है उसका भी चांसेस कम हो जाता है। और कोई भी खास करके इलेक्ट्रिकल जो केबल रहता है काफ़ी दूर दूर एरिया से जो अपना पैनल बोर्ड है वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो बीच पे देखिए कहाँ पे केबल कटा हुआ नहीं है, क्या कुछ डैमेज तो नहीं है, कहाँ पे जॉइंट्स निकला हुआ है, ये पहले चेक करना है। अगर बिना चेक किए हम ये सब काम करेंगे, वो केबल को या वायर को कोई टच करेगा या किसको बॉडी में लगेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्रिएट करता है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमेशा चेक करते रहना है। और कोई भी ये जगह में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अभी तक जितना बताया ये जो भी जहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो तुरंत अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो अपना जो अधिकारी है, सुपरवाइज़र है, नहीं तो अपने इंजीनियर है, और वो लोग नहीं सुन रहे तो हम लोगों को बताइए, जो भी कि यहाँ पे कोई एजेंसी सेफ्टी ऑफिसर है, सुपरवाइज़र है, उनको बताइए। और नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास आइए, हम उसको